ਸਸਵੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਉੱਪਰ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੋ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ कि कुंडली के अंदर जो मेन ग्रह हैं जिसके कारण आदमी को नशे की लत होती है उनमें है शनि चंद्र राहु केतु और मकर। कुंडली का सेकंड हाउस है विशेष करके जो वाणी का घर है। वाणी के घर में अस्थिर ग्रहों का आ जाना, जैसे चंद्र है वो जल का गोचर है और शनि है, जब शनि और चंद्र इकट्ठे होते हैं तो इसे पाप कतरी योग की संज्ञा ज्योतिष शास्त्र में ली गई है। इसी तरह राहु की जब दृष्टि बढ़ती है चंद्र के ऊपर और शनि की है तो चंद्र पीड़ित हो जाता है। उससे क्या है कि आदमी का मानसिक असंतुलन बन जाता है और उसके कारण उसे ये समझ नहीं आती कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और कमजोर शरीर भी कमजोर होता है, दिमाग भी कमजोर होता है, सही निर्णय नहीं ले पाता है आदमी और कुछ ऐसी संगति में पड़ जाता है जब इन ग्रहों की दशा आती है कि वो एक एंजॉयमेंट के लिए वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोगों की ये आदत बन जाती है और इसी आदत के वशीभूत आदमी ड्रग्स का शिकार बन जाता है। तो सर जिवें कि देखा जाता है कि नौजवान पीढ़ी है वह ज़्यादा इस दे वल जिहड़ी कि धकदी जाती है नौजवान अवस्था में जो होंगी है इस उम्र होंगी अगर असीं गल करिए 18-19 साल तो लैके जिहड़े कि 20-25 साल तक या फिर 30 यह जिहड़ा कि उम्र का पड़ा होंदा है इस दे विच जिहड़े कि ग्रह किहड़े होंदे ने जिहड़े कि जिम्मेदार जिहड़े कि नौजवान पीढ़ी नूं नशे दे वल लैके जाती है। जी बिल्कुल, उसका कारण यह है कि जो यंग पीढ़ी है हमारी उनका जो मन मस्तिष्क वो डेलिकेट होते हैं और जो अच्छी चीज है उसको बड़ी जल्दी नहीं पकड़ते और गलत चीजों को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। और मन मच जो आपका दिमाग है वो कमजोर क्यों होता है? कमजोर होने का कारण कुंडली में चंद्र ग्रह की कमजोर स्थिति। और जब चंद्र ग्रह कमजोर हो गया तो माइंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं, सही निर्णय नहीं ले पाता। उसका जो गुरु है जो इस संसार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, वो भी कमजोर हो जाता है। बुद्धि है सही डायरेक्शन में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यही एक कारण है कि जो यंग जनरेशन है वो उन लोगों की बनिस्बत जिनकी उम्र 50-60 साल होती है वो जल्दी नशों का शिकार। जी सर इतने हम जानना चाहवांगे कि जिहड़े कि नौजवान पीढ़ी भी इसके वाल वधदी जा रही है तो उस तो इलावा जिहड़े कि ग्रह हुंदे ने जिहड़े कि माड़े ग्रह हुंदे ने बंदे नूं किस स्थिति तक पहुंचा देंदे ने? कई बार असीं जिवें कि सुनदे हां कि नशे की ओवरडोज करके मौत भी हो जाती है, नशे का ज्यादा सेवन करन दे नाल जिहड़े कि किडनी खराब हो जाती है, बॉडी के जिहड़े कि ऑर्गनस ने उह खराब हो जाते हैं। सो किहड़े ग्रह ने और किस तरह प्रभाव जिहड़ा कि अपना पाउंदे ने, किस तरह की स्थिति दे विच व्यक्ति नूं लियांदे ने? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि
आदमी का शरीर तो खराब होता है, उसकी आत्मा भी दूषित हो जाती, उसे पता ही नहीं कि वो किस काम के लिए इस दुनिया में आया है। वो ऐसी जो गलत संगति में पड़ जाता है कि गलत संगति में पड़ के उसे अच्छे और बुरे का मालूम ही नहीं पड़ता, और फिर धीरे धीरे जो नशा है शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देता है, लिवर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, हार्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, किडनी को डैमेज कर देता है, आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको डैमेज कर देता है, और ब्रेन जो कि हमारा पावर हाउस है उसकी वर्किंग को खत्म कर देता है। जब शरीर ही आदमी का खत्म हो गया तो जिंदगी कहां रही। और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसी लड़कियां जो बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो एक एंजॉयमेंट के कारण नशा जो है उसका सेवन शुरू कर देती है, और अगर खुदा ना खास्ता वो प्रेग्नेंट है तो उसके जो अंदर ऑर्गन्स हैं जो एक बच्चा बनाने का काम करते हैं वो भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि माँ अपना तो नुकसान करती ही करती है, वो अपने आने वाली संतान का भी नुकसान करती है। ऐसे बच्चे हैंडीकैप पैदा हो सकते हैं, दिमागी तौर पे भी हैंडीकैप हो सकते हैं, जिनका सारे का पैदा होने के बाद सारे का सारा जीवन उनका नष्ट हो जाएगा। मुझे लगता है माँ इससे बुरा कुछ नहीं कर सकती, अपने लिए या अपनी संतान। जी बिल्कुल सर, जिवें कि तुसीं दस्सिया कि ग्रह जिहड़े कि हुंदे ने चंद्र ग्रह दी स्थिति इस दे विच मायने रखदी है, या फिर गुरु ग्रह भी खराब हो सकता है, ते सर इन्हां दा समाधान किस तरह कीता जा सकदा, क्योंकि अगर माँ बाप भी सोचदे ने अगर कि बच्चे उन्हां दे छोटे ने अगर वो वड्डे होणगे कि इस माड़ी संगत दे विच ना पैण, या फिर वो नशे दे वल ना जाण, या फिर अपनी जिंदगी नूं दे नाल इस तरह दा खिलवाड़ ना करन, सो उस दे लई उह की कर सकदे ने, की उपाय ने उन्हां दे, उन्हां ते चानना पाओगे सर? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे हम अपने किसी भी काम के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, एक ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, उसे पता होता है मेरे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह जिंदगी में किसी गुरु या किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तब मत जाएं जब सब बुरा चल रहा है, तब जाएं जब सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि समय आने पे जो क्रूर ग्रह हैं उनकी भी दशा या महादशा आ सकती है। अगर शनि की महादशा आ गई, राहु की महादशा आ गई, राहु में चंद्र, तो सूर्य में केतु, ऐसी महादशाओं में जो मेंटल जो है बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। आप पहले जाएं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको 5 साल पहले भी बता सकता है कि 5 साल में आपके बच्चे के साथ क्या स्थिति होने वाली है, तो उसके उपाय आप स्पॉट पे करें, क्यों ना 5 साल पहले शुरुआत करें जी। सबसे पहले बच्चे का खान पान ठीक करें, जंक फूड से बच्चे को बचाएं, अपने बच्चे को हेल्दी फूड दें, अपने बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन दें, अच्छे बच्चे को अच्छी संगति दें, अच्छे बच्चे को जब बच्चा अच्छा है उसको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाए, और उसको ऐसा खान पान दे जिससे उसकी बुद्धि का सही विकास हो। जब बुद्धि का सही विकास होगा, सही डायरेक्शन में विकास होगा, तो ज्ञान आएगा, उसे पता चलेगा कि मैं जो आज एक्शन कर रहा हूं इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अगर एक बच्चा खराब होता है, वो सिर्फ बच्चा खराब नहीं होता, वो बच्चे का संपूर्ण परिवार खराब, उस परिवार की समाज के अंदर इज्जत नहीं रहे, उस बच्चे को तो लोग फिर इग्नोर कर देंगे, परंतु समाज जो है वो ऐसे लोगों से मिलने से भी कतराने लगता है। तो जरूरत है कि बच्चों में ऐसे गुणों का विकास किया जाए, ऐसे ग्रहों का विकास किया जाए कि उसे पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका मेरे पे क्या प्रभाव होगा, मेरे परिवार पे क्या प्रभाव होगा, और जिस समाज में मैं रह रहा हूं उस समाज के ऊपर क्या प्रभाव होगा। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हम
संपूर्ण समाज के लिए, अपने देश के लिए जीते हैं। जो समाज, जो देश नशों का शिकार हो जाता है, ऐसे समाज को, ऐसे देश को कभी नहीं बचाया जा सकता। ऐसा समाज, ऐसा देश एक दिन आने पे गुलाम बनेगा। क्यों ना हम अपने बच्चों को सुधारें, क्यों ना हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनकी बुद्धि का विकास करें, उन्हें सत्संग में लेके जाएं, उन्हें ऐसे गुरु के पास लेके जाएं जो अब उसके सिर पे हाथ रखे, जो उस बच्चे का मार्गदर्शन करे। और सही मार्गदर्शन करने पे एक बच्चा जो है वो IAS भी बन सकता है, उसके बाद IPS भी बन सकता है। जी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन में कमजोर समय आने पे गिरे हुए थे, परंतु जब हमने उनका मार्गदर्शन किया तो उनमें से कुछ लड़कियां तो कमिश्नर लेवल पे चली गई, सीनियर IAS बन गए। उनमें से एक लड़की है, शी इज अ डायरेक्टर लॉ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वो लड़की थी जब हमारे पास आई थी, इसको ये था कि मुझे 15,000 की नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने उसके जब हॉरोस्कोप देखा, हमने उसे कहा कि तुम, उनके जो पेरेंट्स है वो हमारे उसको लेके आए थे कि सर इसकी शादी कब नहीं है, इसकी शादी कब होगी। तो मैंने कुंडली देख के बोला कि भाई अभी 5 साल तो शादी होगी नहीं, तो क्यों ना ये जो बच्चा है क्लास 1 अफसर बन सकता है, तो इसको क्लास 1 अफसर बनाया जाए। तो हमने उस बच्चे का मार्गदर्शन किया और हमें बहुत खुशी है कि लोग हमारे पास आके जीवन की ऊंचाइयों को छूने लगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को जो ड्रग्स का शिकार है, जो एक बैड कंपनी का शिकार है, माँ बाप को पता चलना चाहिए उनका बच्चा किससे मिलता है, माँ बाप को पता होना चाहिए बच्चे के क्या मूवमेंट्स हैं। एक जो मोबाइल इत्तेफाक से आ गया है हमारे पास, ये हमें बहुत आगे लेके जाता है पर हमें ये बहुत पीछे भी लेके जा रहा है। हमें मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि हमारे बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। हम नहीं उसे सर्च करते, वो ऑटोमेटिकली सामने आते। तो मैं इसका संदेश सरकार को भी देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी जनरेशन स्ट्रांग हो, हमारी जनरेशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको मोबाइल के ऐसे कार्यक्रमों के ऊपर पाबंदी लगानी होगी, ऐसे चैनल्स को या ऐसे जो भी कोई लोग हैं जो बच्चों को गलत चीजें दिखाते हैं उनके ऊपर अंकुश लाना होगा। नहीं तो हमारा स्पष्ट कहना है कि कोई सरकार भी समाज को बिगड़ने से, गिरने से बचा नहीं पाएगी। क्यों ना समय रहते हम इन चीजों के ऊपर असर डालें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं। जी बिल्कुल सर, बहुत सही कहा तुसीं। सर लोगों नूं जिन्हां नूं लत लग गई सी गल कर रहे सी बच्चों की, नौजवानों की भी गल की, सो हुण गल करदे महिलावां दी। जिवें तुसीं पहलां भी दस्सिया कि महिलावां भी जिहड़ा कि एंजॉयमेंट दे लई इह सब शुरू करदियां ने, पर किते ना किते एक टाइम इस तरह दा आंदा कि उहनां नूं लत लग जांदी है और उस तों चाह के भी उह निकल नहीं सकदियां ते अपनी आउण वाली पीढ़ी, अपनी जनरेशन नूं खराब कर सकदियां ने। क्योंकि घर दे विच अगर जिस तरह दा माहौल होवेगा बच्चे भी उही सिखणगे। सो महिलावां दे लई किहड़े उपाय ने कि उह कर सकदियां ने कि इस नशे की लत तो वह बाहर निकल सकते हैं, उन्होंने लिए की उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो जब हमारे बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जप कराएं। एक बच्चा अगर सुबह और रात को सोते हुए एक माला गायत्री मंत्र का जप करे, उससे उसके मन बुद्धि का विकास होगा, उससे उनके बृहस्पति जो ग्रह उसका विकास होगा, उसे पता चलेगा कि मेरे इन एक्शंस का क्या रिजल्ट होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो ग्रह हैं, जैसे राहु ग्रह है, शनि ग्रह है, इसके लिए हम शिव भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया गया है कि सागर मंथन के समय शिव ने तो ये जहर पीने की ताकत सिर्फ परमात्मा के पास है, इंसान के पास नहीं। तो जब इंसान के पास नहीं तो वह ऐसी जहरीली चीजों का सेवन क्यों करे जिससे कि उसका शरीर नष्ट हो, उसकी आत्मा नष्ट हो, उसका भविष्य नष्ट हो। इसके लिए हम उनको
रतन भी धारण करवाते हैं, हम उनको जो है पुखराज धारण करवाते हैं, हम उनको पन्ना धारण करवाते हैं, हम उनके खान पान में परिवर्तन लाते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि घर में अगर आप मूंगी साबत की दाल बनाएं, ये आपके बुध ग्रह को बहुत मजबूत करे। अगर आप अपने बच्चों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खाने को दें, आप उनको मुरब्बा खिलाने, एक मैगी की बजाय मुरब्बा खिलाएं जी, तो मुझे पता है आपके बच्चे के शरीर और दिमाग का विकास होगा। आप अपने बच्चे को कोई और ये पिज्जा खिलाएं, पिज्जा के बजाय आप उनको ऐसी चीजें खिलाएं जिससे उनको जो नेचुरल जूस दे, उनको डिब्बाबंद जूस मत दे। आप उनको ऐसी संगति से दूर रखें, बच्चे को स्पिरिचुअलिज्म के अंदर उसको लेके जाए। उसको एक महामृत्यु जप होता है, बच्चे अगर घर के अंदर भी आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करें और अपने घर के अंदर महामृत्यु जो जप है उसकी ध्वनियां पूरे घर में फैल जानी चाहिए। माँ बाप परिवार के जो भी सदस्य घर के अंदर है, अगर महामृत्यु जप हम घर में ऐसे फैला देंगे, वो भी नेगेटिव एनर्जी जो घर के अंदर पनप रही है उनको खत्म करेगा। जब उनको खत्म करेगा, निस्संदेह बच्चे जो है उनको अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी और उनका विकास होगा। हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं हम उनको योगा और मेडिटेशन के साथ जोड़ते हैं। ये चीजें हमारे सनातन धर्म का अंग थी, इसलिए जो हमारे पहले बच्चे थे वो बहुत उच्च श्रेणी के बच्चे थे। आज भी हमारे जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट बहुत हैं, चीजों को कैच करते हैं, पर दुख ये है कि हमारा जो मोबाइल है वो उसका गलत मार्गदर्शन करता है। तो अगर हम उनका सही मार्गदर्शन करें, उनका डाइट प्लान बनाया चेंज करें, हम उनका कलर कॉम्बिनेशन जो वो ड्रेसेस डालते हैं हम उसमें चेंज करते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो शर्ट है जो हम ऊपर वस्त्र धारण करते हैं वो कभी डार्क कलर के नहीं होने चाहिए, कभी काले रंग की कमीज मत डालें, कभी डार्क ब्राउन कलर की जो शर्ट है वो मत डालें, आप डार्क ब्लू शेड को मत डालें, स्काई ब्लू शेड यूज करें, व्हाइट शेड यूज करें, पिंक शेड यूज करें, येलो शेड यूज करें, क्रीमी शेड यूज करें। बच्चों को आप पेंट काले रंग की डाल सकते, आप सलवार काले रंग की डाल सकती हैं, आप ब्राउन कलर की सलवार डाल सकती हैं, पर ऊपर का जो हिस्सा है जो हमारी धुनी है इसके ऊपर के हिस्से पे हमें डार्क चीजों का यूज करने से बचना चाहिए। बिल्कुल सर, लाइफस्टाइल जरा कि चेंज जरूर करना पवेगा हर किसी नूं, अगर लाइफस्टाइल चेंज होवेगा उस तो बाद जड़े कि इन्हां दे ग्रह भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सर तुसी वास्तु एक्सपर्ट भी हो, सो वास्तु दा किन्ना क महत्व हुंदा है अगर कोई नशे दे वल तक्या जा रहा है, नशे दी लत लग गई है घर दे विच, सब कुछ जड़ा कि खराब हो रहा है, हर कोई जड़ा कि नशे दे वल तकदा जा रहा है, सो वास्तु दा भी किन्ना क महत्व हुंदा है इस दे विच जड़ा कि घर नूं खराब कर दिंदा है। सर वास्तु एक ऐसी विद्या है जो हमारे आवास के साथ जुड़ी हुई है। हमारे आवास में हम पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे इनवाइट करें जी, नेगेटिव एनर्जीज को कैसे खत्म करें, उसके लिए बहुत उपाय है। सबसे पहले तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर पूर्व के अंदर जो भी हम घर है बनाते हैं, उत्तर पूर्व से सुबह के समय ब्रीज चलती है, पहाड़ों से जो ब्रीज आती है वो बहुत स्वच्छ होती है। वो अंदर जैसे ही उसके लिए दरवाजे खोल दे ताकि आपके घर के अंदर वो जो ब्रीज है वो रेगुलेट करे, खिड़कियां खोल दे सूर्य की रोशनी को अंदर आने दे। वास्तु शास्त्र जो हमारा है ये पंच तत्वों पे आधारित शास्त्र है। हमारा शरीर, संसार में हर चीज, हर वस्तु पंच तत्वों से बनी है। जब भी घर में प्रॉब्लम होती है उसका कारण यह है कि इन पंच तत्वों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गई है, कहीं कमी आ गई है। तो उत्तर पूर्व के अंदर इस दिशा को एक तो खाली रखें,
इसके आगे कंस्ट्रक्शन मत करें। इस ब्रीज को जो हमारी लाइफ है इसको घर के अंदर आने दें, और घर में सुबह के समय अगर गृहणियां कपूर को जला के सारे घर में उसका कमरों में चक्कर लगाएंगी तो उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और संपूर्ण परिवार को इसका लाभ होगा। जी सर, ने सारी जानकारी तुसी साडे नाल सांझी कीती, नशे दे बारे भी सानू दस्या कि कीड़े ग्रह जुड़े कि जिम्मेवार हुंदे ने, उहदा उपाय किस तरह कर सकदे। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा।